बरवाड़ा क्षेत्र में ज़्यादातर जो शिकायतें प्राप्त होती हैं वो एटीएम बदलकर या ऑनलाइन फ्रॉड की कोशिश से कुछ एटीएम ना ओटीपी वगैरह पूछकर ऐसे कुछ अपराध शामिल होते हैं जिनके बारे में लोगों से आग्रह किया जाता है कि किसी को भी अपना ओटीपी ना बताएं, किसी से अपना पिन या पासवर्ड कोई शेयर ना करें, और जब भी कभी एटीएम में पैसे निकालने जाते हों तो उसमें अपना जो एटीएम है वो स्वयं यूज़ करें, ना कि किसी दूसरे को दें। यदि किसी के दूसरे को देते हैं तो वो हो सकता है वो कोई अपराधी हो, उसका क्लोन तैयार करके वो उससे पैसे निकलवा सकता है और नुकसान आर्थिक रूप से पहुंचा सकता है। तो हम जन से यही अपील है कि वो अपना एटीएम किसी के साथ शेयर ना करें पैसे निकालते हुए, और अपना पिन नंबर गुप्त रखें। तो पुलिस के द्वारा किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, स्कूलों में या कहाँ पे, जो साइबर क्राइम को ताकि रोका जा सके? तो इस बारे में समय समय पर स्कूलों में जाकर या मार्केटों वगैरह में जाकर लोगों को इस बारे में जागृत किया जाता है और उनको हर चीज़ के बारे में आगाह किया जाता है। और एक 1930 नंबर है, यदि आपके साथ कोई घटना घट जाती है तो तुरंत 1930 पे कॉल करें, इससे आपका ठगा हुआ पैसा वापस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बरवाड़ा क्षेत्र में ज़्यादातर जो शिकायतें प्राप्त होती हैं वो एटीएम बदलकर या ऑनलाइन फ्रॉड की कोशिश से कुछ एटीएम ना ओटीपी वगैरह पूछकर ऐसे कुछ अपराध शामिल होते हैं जिनके बारे में लोगों से आग्रह किया जाता है कि किसी को भी अपना ओटीपी ना बताएं, किसी से अपना पिन या पासवर्ड कोई शेयर ना करें, और जब भी कभी एटीएम में पैसे निकालने जाते हों तो उसमें अपना जो एटीएम है वो स्वयं यूज़ करें, ना कि किसी दूसरे को दें। यदि किसी के दूसरे को देते हैं तो वो हो सकता है वो कोई अपराधी हो, उसका क्लोन तैयार करके वो उससे पैसे निकलवा सकता है और नुकसान आर्थिक रूप से पहुंचा सकता है। तो हम जन से यही अपील है कि वो अपना एटीएम किसी के साथ शेयर ना करें पैसे निकालते हुए, और अपना पिन नंबर गुप्त रखें। तो पुलिस के द्वारा किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, स्कूलों में या कहाँ पे, जो साइबर क्राइम को ताकि रोका जा सके? इस बारे में समय समय पर स्कूलों में जाकर या मार्केटों वगैरह में जाकर लोगों को इस बारे में जागृत किया जाता है और उनको हर चीज़ के बारे में आगाह किया जाता है। और एक 1930 नंबर है, यदि आपके साथ कोई घटना घट जाती है तो तुरंत 1930 पे कॉल करें, इससे आपका ठगा हुआ पैसा वापस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है।